आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने बाहर तो कई बार खाया होगा, लेकिन आप घर पर भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन ले लिया है मैंने 250 ग्राम। पहले इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है और इतने थोड़े छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच। एक छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे हम काला नमक, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच ही चाट मसाला और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच। इससे टेंडर हो जाएगा हमारा चिकन और सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो बस अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेते हैं और चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर देते हैं। मसाला अच्छे से चिकन पर चिपक जाना चाहिए और बस इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। चलिए मैंने मैदा ले लिया है 250 ग्राम और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को, और जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसे इसमें 3-4 पीसेस लेके इस तरीके से ऐड कर देंगे। सारे पीसेस एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस लेकर हमें ऐड कर देने हैं और अच्छे से कोट कर देने हैं मैदा में। और जब मैदा में कोट हो जाएंगे अच्छे से, तो एक छन्ने में कर हमें जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लेना है, इस तरीके से झाड़ लेना है। जब मैदा बिल्कुल अच्छे से झड़ जाएगा तो अब हम लेंगे पानी एक बाउल में, और इसमें ठंडा पानी लेंगे हम, और इसमें बस हमें चिकन को अच्छे से डिप कर देना है। बस एक बार डिप कर देना है और उसके बाद निकाल लेना है और थोड़ी देर इसे छोड़ देना है ऐसा ही, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम फिर दोबारा से इसे मैदा में ऐड कर देंगे और मैदा को पहले से अच्छे से कवर कर देंगे, चिकन को अच्छे से कोट कर देंगे, और फिर अच्छे से हथेली की मदद से थोड़ा धीरे धीरे हम इसे इस तरीके से मैश करेंगे। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करेंगे, वरना चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है, गल चुका है तो वो टूट जाएगा। तो हल्के से दबा दबा कर हमें इस तरीके से इसमें क्रम्स ला देने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के इस तरीके से हम इसे रोल करते रहेंगे। और देखिए काफ़ी अच्छे क्रम्स आ चुके हैं इसमें। तो बस अब हम एक छन्ने में इन्हें दोबारा निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। अभी मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, हाई टू मीडियम फ्लेम रखेंगे हम तेल की, और ये सारे पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको हिला लेंगे, पीसेस को अलग अलग कर देंगे, और बस इसे पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट में चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा और काफ़ी अच्छे चिकन पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छे से चला लेंगे, और जब इनमें कलर आ जाएगा लाइट ब्राउन कलर, तो बस इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए 6 मिनट हो चुके हैं और चिकन पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो बस अब हम इन्हें छन्ने में निकाल लेते हैं और छन्ने में ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें निकल जाए। और देखिए चिकन पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा क्रंच आया है इनमें। तो बस अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे चिकन पॉपकॉर्न बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट और जूसी चिकन पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल तैयार हुए हैं, और बिल्कुल ड्राई नहीं है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा जूसी चिकन बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।